मज़ेदार खानों के बाद जिंदा दिलाने लाहौर ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। शहरियों ने पसंदीदा ठंडी हर आइसक्रीम से खूब लुत्फ़ उठाया, कोई मैंगो तो कोई वनीला फ्लेवर का शेदाई निकला। मज़ीद जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल, कुर्बान के तीन रोज़ मज़ेदार खाने और दावतें उड़ाने के बाद जिंदा दिलाने लाहौर अब अपनी पसंदीदा जो आइसक्रीम पार्लर है वहाँ का रुख किया, ताकि गर्मी की शिद्दत में जहाँ मज़ेदार खाने खाए गए हैं वहीं जो है वो पसंदीदा आइसक्रीम से और जूसेस से जो है लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा सके और गर्मी की शिद्दत भी जो है वो कम की जा सके। हमारे ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएँ, तीन दिन तो खूब इंजॉय किया गया खाने पीने हुए और गर्मी भी है, तो कौन सी आइसक्रीम पसंद है आपको और आज जो है वो आखिरी रोज़ कैसे गुजार रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे तो वैसे वनीला और चॉकलेट पसंद है। जिस तरह आपने कहा कि गोश्त खा के हमें एक अजीब सी फीलिंग आती, तो उसके बाद जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो उससे आप ख़ुद को रिलैक्स फील करते हैं। तो मैंने मेरे दोस्त से सोचा कि आज हम एक अपना प्लान बनाते हैं और आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो दोनों इस वक्त जो है वो अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम खा रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, ईद कैसी गुजरी और आखिरी रोज़ जो है ये ठंडी ठार आइसक्रीम जो है वो क्या मज़ा दे रही है आप? ईद माशाल्लाह इस दफ़ा बड़ी अच्छी गुजरी है, मौसम बड़ा अच्छा हो गया था। बाकी आइसक्रीम के वाले से ये है कि आइसक्रीम गोश्त खा के ना बंदा एक ही चीज़ खा के उकताहट सी हो जाती है, तो जायका चेंज करने के लिए कह लें आप लोगों ने हमने वनीला का और ये साथ में चॉकलेट का यूज़ किया है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा फील हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो गया है, बाहर आपके सामने गर्मी है, तो अपने आप को ठंडा रखने के लिए हमें यहाँ का जो वनीला फ्लेवर है बड़ा पसंद है, उसे इन्जॉय कर रहे हैं। जो पसंदीदा मज़ेदार और पसंदीदा खाने खाकर जो है वो तबीयत में उकताहट भी है और शहरी जो है वो अब गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए भी जो है वो पॉलर्स का रुख करें, ताकि पसंदीदा आइसक्रीम और जूसेस का जो है वो इस्तेमाल करके जो है अपनी तबीयत को भी हशात पेशात किया जा सके और जो आखिरी रोज़ है छुट्टी का वो भी भरपूर अंदाज में जो है इंजॉय किया जा सके। जो आपका बहुत शुक्रिया।